एक नहीं, दो नहीं, चार तरह की पुलाव की रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे कि बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। अगर आप जल्दी में कुछ बनाना चाह रहे हैं ना, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। ये है मटर पुलाव, जिसे कि बनाना बहुत ही आसान है और इसे आप रायते चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मटर पुलाव बनाने के लिए एक कढ़ाई गर्म करेंगे। इसमें हम 2 बड़े चम्मच जितना तेल ले लेंगे। यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है और यहीं पे कुछ खड़े मसाले लेंगे, जिसमें लिया है मैंने जीरा, काली मिर्च, जावित्री, दालचीनी, 1 फूल चक्री और 4 छोटी इलायची, लौंग भी लिया है। मसाले को अच्छे से चटकने देंगे। तेल की जगह पर आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाले हमारे सुनहरे हो गए हैं, इस टाइम पर इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। 1 लार्ज साइज़ का मैंने प्याज लिया है और इसे हल्का गुलाबी होने तक हम भून लेंगे। इस तरह से स्पैचुला से इसे करेंगे, इसके लच्छे निकल जाएंगे प्याज के। प्याज का कलर हल्का चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। इस टाइम पे इसमें हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इस तरह से मैंने क्रश करके लिया है 6-7 कलियाँ लहसुन की और 1 इंच टुकड़ा अदरक का। आप चाहें तो पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडीमेड वाला। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे। 1 कटोरी मैंने यहाँ पे फ्रेश मटर लिया है, जो कि वेट में 200 ग्राम जितना मटर है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इस रेसिपी को फ्रोज़न मटर के साथ भी बना सकते हैं। साथ ही 2 लार्ज साइज़ के टमाटर भी ऐड करेंगे। मिक्स कर लेंगे। 1-1.5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि टमाटर हल्के से गल गए हैं, मटर हल्का भून गया है। इससे अच्छा टेस्ट आता है भून के, जब हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी चीज़। ये देखिए बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, देखिए हार्ड है मटर। तो इसी टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे चावल। चावल को मैंने पहले से ही धो के रख लिया था। यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास जितना चावल लिया है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। चावल भिगो के रखने से ना सॉफ्ट हो जाते हैं, तो इसे हल्के हाथों से आप मिक्स कीजिएगा, ताकि चावल आपके टूटे नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। जब भी हम प्रेशर कुकर में चावल बनाते हैं ना, तो जितना हम चावल लेते हैं उसका डबल हम पानी ले लेते हैं, पर जब हम खुले में बनाते हैं तो पानी ज़्यादा सूखता है। तो यहाँ पर हम 3.5 गिलास जितना पानी ऐड करेंगे, और मैंने यहाँ पर गर्म पानी डाला है। तो 3.5 गिलास जितना यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे। आप चाहें तो ठंडा पानी भी इसमें डाल सकते हैं, और स्टार्टिंग का 5-7 मिनट इसे हम तेज़ आंच पे ही पकने देंगे। देखिए यहाँ पे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। चावल जो किनारे किनारे लगे हैं, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे। तो इस तरह से मैंने चीरा लगा के हरी मिर्च डाली है। आप चाहें तो बारीक कटा हुआ भी मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे और इसे हम ढक के पकने देंगे 5-7 मिनट के लिए, बिल्कुल तेज़ आँच पर। 5-7 मिनट के बाद देखिए इस तरह से हमारे चावल पक चुके हैं। इस तरह से हम चेक कर लेंगे। ये देखिए चावल हल्के से हार्ड लग रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट नहीं हुआ है इस टाइम पे। आप चेक कर लीजिए, नीचे में थोड़ा पानी रहना चाहिए, बहुत ही थोड़ा सा पानी इस टाइम पे रहना चाहिए। आप इस तरह से चेक कर लीजिए और इस टाइम पर ना फ्लेम को लो करके 4-5 मिनट के लिए चावलों को पकने दीजिए। अगर आप इस टाइम पर पानी इसमें ऐड कर रहे हैं तो गर्म पानी डालिएगा 1/2 कप जितना, क्योंकि कढ़ाई में अगर पानी नहीं रहेगा तो पुलाव हमारे जल भी सकते हैं। 1/2 नींबू का रस इस टाइम पे हम निचोड़ देंगे और 1 बड़ा चम्मच जितना हम घी इसमें ऊपर से ऐड करेंगे। घी बाद में डालने से ना बहुत ही फ्लेवरफुल बने रहते हैं पुलाव। लास्ट टाइम पे आप घी ज़रूर इसमें डालें। और 5 मिनट के लिए इसे हम दम पर पकाएँगे और फिर से इसे चेक कर लीजिए। बिल्कुल फ्लेम को लो करके आप पकाइएगा लास्ट 5 मिनट, बहुत ही खिले खिले आपके पुलाव बनेंगे। और फिर से इसे चेक कर लीजिए। तो इस टाइम पे आप देखिए कि चावल बिल्कुल अच्छे से हमारे पक चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं चावल। तो ये हमारा मटर पुलाव बनके तैयार है। पर बेटर रिजल्ट के लिए आप इसे थोड़ी देर ढक के रखें और उसके बाद आप इसे सर्व करें, तो आप देखेंगे ना कि ये पहले से ज़्यादा खिले खिले आपको दिखेंगे। और अब हम फ्राइड राइस बना लेंगे, जिसके लिए एक तेज़ आंच पे मैंने कढ़ाई गर्म कर ली है। 2 टेबल स्पून जितना इसमें हम रिफाइंड ऑयल ले लेंगे। इसी में लिया है मैंने 1 चम्मच जितना लहसुन, 1 चम्मच जितना ही अदरक और 2-3 हरी मिर्चें ली हैं, और 1 लार्ज साइज़ का प्याज भी लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को ना एक ही साथ ऐड करेंगे। इस रेसिपी में प्याज को आपको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है, प्याज बस हल्के सॉफ्ट हो जाए इतना ही पकाना है।
और अदरक लहसुन का आप कलर देख सकते हैं कि हल्का ब्राउन हो गया है। तो इसी टाइम पे हम कुछ सब्जियां इसमें ऐड करेंगे, जिसमें लिया है मैंने गाजर बारीक कटा हुआ, बीन्स लेंगे, शिमला मिर्च भी ऐड करेंगे, साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम स्प्रिंग ओनियन का वाइट वाला पार्ट ऐड करेंगे। तो सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी में सब्जी को आपको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, 80% जितना सब्जियाँ पकी हुई होनी चाहिए। और अब इसमें हम ऐड करेंगे, तो एक मिनट के लिए मैंने सब्जियों को भून लिया है और अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून जितना सोया सॉस, 1 चम्मच जितना विनेगर भी ऐड करेंगे। सारे प्रोसेस को करते वक्त फ्लेम को आप बिल्कुल तेज आंच पे ही रखें। तो इसे मैं बीच बीच में चला भी ले रही हूँ ताकि ना सब्जियाँ सॉसेस वगैरह जल नहीं जाएँ। इससे होगा क्या ना कि फ्राइड राइस में एक स्मोकी फ्लेवर आएगा। हो सके तो आप पतली कढ़ाई का इस्तेमाल करें इसे बनाते वक्त। और अब हम विनेगर भी इसमें ऐड करेंगे, वाइट विनेगर लेंगे और साथ ही इसमें नमक भी ऐड करेंगे। नमक डालते ही ना सब्जियां सॉफ्ट होने लगती हैं, तो इस टाइम पे आप इसे 1-1.5 मिनट के लिए भून लीजिए। बिल्कुल तेज आंच रख के ही भूनेंगे इसे हम। और अब इसमें हम उबले हुए चावल ऐड करेंगे। तो चावल बिल्कुल ठंडे होने चाहिए, गरम चावल इस्तेमाल आप नहीं करें इसके लिए। हो सके अगर आपके पास बचे हुए चावल है ना तो आप उसका इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छे फ्राइड राइस बनेंगे एकदम खिले खिले से। तो यहाँ पे बस चावल डाल के हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हाई फ्लेम पे इसे 1-1.5 मिनट के लिए फिर से हम भूनेंगे और कुछ भी नहीं करना है। बहुत ही फ्लेवरफुल ये फ्राइड राइस बनते हैं, एक बार आप इसे इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो बहुत ही अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और इस टाइम पे इसमें हम डालेंगे ये हरे प्याज। इनसे लुक वाइज बहुत ही अच्छा आता है, टेस्ट भी अच्छा आता है। तो अच्छे से फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। तो बस ये हमारा फ्राइड राइस बनके तैयार है। बहुत ही फ्लेवरफुल ये फ्राइड राइस बनते हैं। और अब हम बनाते हैं ग्रीन पुलाव, जो कि बहुत ही फ्लेवरफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रीन पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक ले लिया है। इसे पानी डाल के इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो इस टाइम पे आप देख सकते हैं मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है और ये देखिए इसका पेस्ट बना लिया है। फ्लेम पे कढ़ाई चढ़ा लेंगे। कढ़ाई के गर्म होते ही यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच घी डालेंगे। इस पुलाव को बनाने के लिए आप घी का इस्तेमाल कीजिएगा, इससे अच्छा फ्लेवर आएगा। यहीं पे हम कुछ खड़े मसाले लेंगे, इसे यहाँ पे ऐड कर देंगे। काली मिर्च लिया है, जीरा लिया है, दालचीनी लिया है, 2 तेज़पत्ता, 2 सूखी लाल मिर्च, लौंग लिया है। 2 मसाले यहाँ पे चटक गए हैं। यहाँ पे 1 लार्ज साइज के प्याज को मैंने स्लाइसेस में कट किए हैं और इसे भी हल्का भून लेंगे। साथ ही यहाँ पे फ्रेश मटर ऐड करेंगे, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है पर डालेंगे ना तो अच्छा लगेगा। थोड़े से यहाँ पे मैंने काजू भी ऐड कर दिए हैं, तो इसे भी हम भून लेंगे प्याज के साथ के साथ। और यहीं पे हमने जो पुदीना धनिया का पेस्ट तैयार किया था ना, इसे भी यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसका जो मॉइस्चर है ना, इसे हम ख़त्म कर देंगे, अच्छे से भूनेंगे जब तक ये ड्राई ना हो जाए। यहीं पर हम नमक इसमें ऐड कर देंगे। हाई फ्लेम पे मैंने मसाले को भूना है और आप देख सकते हैं 2 मिनट के ही बाद हमारा ये मसाला बिल्कुल ड्राई हो चुका है। बहुत ही फ्लेवरफुल ये मसाला है, एक बार इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे हमने बॉयल किए हुए राइस को ऐड करना है। चावल को बॉयल करने के बाद आप ठंडा करके इसमें ऐड कीजिएगा तो पुलाव आपके खिले खिले बनेंगे। अगर आपके पास रात के चावल बचे हुए हैं ना, उससे भी आप इसे बना सकते हैं। और इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ भी नहीं करना है इसमें। और ये हमारा झटपट से ग्रीन पुलाव बनके तैयार है, मिनटों में। बहुत ही लाजवाब पुलाव है, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज हम ग्रीन गार्लिक पुलाव बनाएंगे, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलिए झटपट से शुरू करते हैं। ग्रीन गार्लिक पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे हम हरा लहसुन लेंगे और यहीं पे लिया है मैंने ये हरे प्याज। सर्दियों में ना काफ़ी ईजिली हमें ये हरे लहसुन और प्याज मार्केट में मिल जाते हैं। देखने में दोनों एक जैसे ही लगते हैं, पर इसे आप कैसे पहचाने, तो ये देखिए प्याज के पत्ते ना आपको थोड़े गोल गोल से दिखेंगे और यहीं पे लहसुन के पत्ते ना बिल्कुल फ्लैट दिखेंगे आपको, बिल्कुल चपटे होते हैं इसके पत्ते। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं लहसुन को, ये देखिए। तो इसमें हम प्याज का इस्तेमाल करेंगे 2 ये,
और बाकी हरे लहसुन का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी जड़ें काट के हम साइड कर लेंगे। लहसुन को मैंने पहले से ही धो के रखा है, तो अब इसे हम काट लेंगे इस तरह से। तो लहसुन मैंने काट लिया है, थोड़ा सा ग्रीन पार्ट को हम साइड में रखेंगे और बाकी ना प्याज भी इसके साथ ही हम काट लेंगे। जड़े हटा लेंगे और इसे भी हम काट लेंगे। प्याज का सिर्फ वाइट पार्ट इस्तेमाल करेंगे, इसके पत्ते इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये देखिए जो भी हार्ड पार्ट है ना, इसे मैंने ले लिया है। तो अब हम एक कढ़ाई गरम करेंगे। इसमें एक बड़ा चम्मच मैंने तेल ले लिया है और तेल के गरम होते ही इसमें हम पनीर डाल के फ्राई कर लेंगे। पनीर में सुनहरा सा कलर आ गया है तो इसे हम निकाल लेंगे। इस रेसिपी में पनीर ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बचे हुए तेल में ही ना हम एक चम्मच जितना घी ऐड करेंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। घी के गर्म होते ही इसमें हम डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें लिया है मैंने जीरा, काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी। इनसे पुलाव में काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे देखिए मसाले हमारे भुन गए हैं। इस टाइम पे इसमें हम हरा लहसुन ऐड करेंगे और साथ ही हरे प्याज भी इसी में हैं। तो इसे हम हल्का भून लेंगे, बहुत ज़्यादा सुनहरा नहीं करना है। कुछ ही सेकंड के बाद इसमें हम डालेंगे उबले हुए भुट्टे, शिमला मिर्च और हरे मटर। मटर को ना मैंने थोड़ा ब्लांच करके लिया है और कॉर्न भी ना उबले हुए हैं, तो इसे भी अच्छे से साथ के साथ हम भून लेंगे। एक मिनट तक हमने इसे भून लिया है और अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसे ना थोड़ा किनारे किनारे कर लेंगे और सेंटर में हम मसाले डाल के मसाले को भूनेंगे, जिसमें लिया है मैंने ये अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट, जिसमें कि 4 हरी मिर्ची है और 1 इंच का टुकड़ा अदरक है। और इसी में हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी, कश्मीरी मिर्च और इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फ्लेम को इस टाइम पे मैंने मीडियम पे ही रखा है और अब इसमें हम डालेंगे पालक प्यूरी। तो ब्लांच किए हुए पालक को पीस करके इसमें इस्तेमाल करना है 2 बड़े चम्मच जितना, और अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। सारी चीज़ों को मिक्स करके ना इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। पालक तो पहले से उबले हुए हैं पर इसे थोड़ा सा भूनने से ना अच्छा स्वाद आता है। तो देखिए मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है और अब इसे हम भून लेंगे। 1.5-2 मिनट भूनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे हरे लहसुन। तो हमने जो ये ग्रीन पार्ट साइड करके रखा था ना, इसे इस टाइम पे ऐड करेंगे। इसे थोड़ा बाद में ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा इसे गलाना नहीं है, थोड़ा खड़ा खड़ा रहेगा ये। तो मिक्स कर लिया है इसे भी और साथ ही अब डालेंगे इसमें हम नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो नमक को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस अब इसमें हम उबले हुए चावल ऐड करेंगे। तो चावल को बॉयल करके ना अच्छे से बिल्कुल ठंडा कर लें और उबलते वक्त ना चावल में 1 चम्मच जितना आप तेल या फिर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे होगा क्या ना कि चावल बिल्कुल खिले खिले बनेंगे, बिल्कुल चिपकेंगे नहीं आपस में। तो यहाँ पे देखिए चावल डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। और इस पुलाव में मैंने ज़्यादा कोई मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप चाहें तो इसमें आप गरम मसाला पाउडर या फिर और कोई मसाला भी, किचन किंग या फिर पाव भाजी मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लिया है। चावल डालने के बाद फ्लेम को आप बिल्कुल तेज करके ना 2 मिनट बस चावल को इसमें अच्छे से भून लीजिए और कुछ भी नहीं करना है। इस टाइम पे मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर ली है। फ्लेम को ना अभी हम बिल्कुल स्लो पे कर देंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें हम घी डालेंगे। 3-4 मिनट के लिए ना इसे हम दम पे रखेंगे, तो इससे पुलाव काफ़ी अच्छे बनते हैं। साथ ही मैंने पनीर भी डाल दिया है, इसे कवर करके 3-4 मिनट के लिए रखेंगे। ढक्कन हटाएंगे और वापस से इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा ग्रीन गार्लिक पुलाव तैयार है, बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें इन सर्दियों में। तो ये देखिए बस इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए रायते के साथ और सलाद के साथ, बहुत ही अच्छा।